जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण को 10% का आरक्षण देने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी राजनीतिक संगठन के लोग इसे चुनावी मुद्दा बता रहे हैं। जो प्रधानमंत्री द्वारा जो स्वर्णों को आर्थिक आधार पर जो 10% का आरक्षण दिया गया, क्या लगता है ये चुनावी मौके को देख के दिया गया या सच में ये स्वर्णों को देने का? माननीय प्रधानमंत्री जी को अब जाके स्वर्ण याद आए हैं, क्योंकि जब 3 स्टेट में जब उनकी चुनाव की हार हुई, हार में मुख्य कारण उनको लगा कि कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई थी SC ST के मुद्दा पे, इसलिए उनका 3 प्रदेश उनके हाथ से जब निकला तब स्वर्ण उनको याद आए हैं। और ये एक सिर्फ चुनावी जुमला है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के पास वक्त कितना है, अभी आपको लोग उसको कानूनी रूप से अभी आप कैबिनेट से पास कराए हैं, आपको लोकसभा से पास कराना है, राज्यसभा से पास कराना है, तब जाकर कानूनी रूप से होगा। और सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन है कि 50% ज़्यादा आरक्षण नहीं होगा। आप किस व्यवस्था में इस आरक्षण को, आप 10% का जो आरक्षण आर्थिक आधार पर दिए हैं, किस आधार पर उसको कायम कीजिएगा? ऐसा हम इसका स्वीकार, हम उसको बधाई देते हैं। अगर आर्थिक रूप में जो भी वर्ग हो, स्वर्ण वर्ग हो या पिछड़ा वर्ग के हो या किसी भी वर्ग के लोग हो, कहने का मतलब कार्य सही है, लेकिन ऐसे समय में देना मतलब कि चुनावी सगुफा है उनका, माननीय प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि अब वो चुनावी मुंड में है और चुनाव की ओर जा रहे हैं। इनको चार बरस पहले ये देना चाहिए था, आरक्षण देना चाहिए था, ताकि आप 4 बरस के अंदर कभी भी इस पर आप लाकर ऑर्डिनेंस लाकर आप कानून बना सकते थे। आज अंतिम चरण में आप इस ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, अगर उसमें फेल करते हैं, आप राज्यसभा में फेल कर जाते हैं या आप लोकसभा में आपका पास नहीं हो पाता है, ये सब गुफा बन के रह जाएगा। और आप चुनाव में जाइएगा और कहिएगा कि फलानी पार्टी ने इस चीज़ को विरोध किया, ये सिर्फ चुनावी स्टैंड है प्रधानमंत्री जी का। परिचय बताइए अपना। भूपेंद्र सिंह मुखिया, कांग्रेस नेता। आर्थिक आधार पर स्वर्णों को जो 10% का आरक्षण दिया गया है, क्या लगता है ये प्रधानमंत्री का जो ये घोषणा है चुनाव के मद्देनजर दिया गया है या सच में ये आर्थिक आधार पर दिया गया है? NDA सरकार का 4 साल 8 महीना बीत गया और इतने दिनों तक इनको याद नहीं आया कि सवर्णों का 10% आरक्षण देना जायज है और देना चाहिए भी। और यह मुद्दा जो है 10% आरक्षण की बात, आज से नहीं, हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर ने ही यह प्रस्ताव रखा था कि 10% सवर्णों को आरक्षण दिया जाए, लेकिन NDA सरकार की नीयत ठीक नहीं है। और ये अभी चुनाव का वक्त आया है तो इन्होंने घोषणा किया, वो भी आर्थिक आधार पर, जो कि बिल्कुल लोक लुभावन है, एक तरह से चुनावी स्टंट है, इनका चुनावी फैसला है। और आर्थिक आधार पर जो इन्होंने आरक्षण दिया है वो दरअसल में इनकी नीयत ठीक नहीं है, आरक्षण देने का इनका नियत है नहीं, केवल चुनाव के मद्देनजर रखते हुए सवर्णों को लुभाने के लिए इन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया है। तो ऐसे में क्या लगता है कि चुनाव के उनकी नैया पार कर पाएगा ये लोक लुभावन? नहीं, इस बात को तो सब सवर्ण भी और दूसरे जाति और वर्ग के लोग भी समझ रहे हैं कि यह इनका जो है ये बिल्कुल चुनावी स्टंट है। और ये जो आरक्षण की जो घोषणा इन्होंने किया है, अभी तो राज्यसभा बाकी है और इनका नियत ठीक नहीं है और ये दरअसल में आरक्षण देना नहीं चाहते हैं। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन जो है, और हम लोग आरक्षण के पक्षधर रहे हैं, आज से नहीं, 1988-89 से हमारे दल पार्टी पक्षधर है कि 10% सवर्णों को वास्तविक में आरक्षण दिया जाए, लेकिन इस तरह से नहीं, लोक लुभावन करके और उनको गलतफहमी में डाकर 10% नहीं। पर्चे बता दीजिए सर। सुरेश विश्वकर्मा, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ।